हाँ वो है हमारा एम, क्या है? आपको पता नहीं आपने डीपी के डाली है AM 100 की। नहीं, मैं ना बचपन में एक बार एक मूवी देखा, उसका नाम था गजनी। मेरे को मूवी ने इतना इंस्पायर किया कि मैं सारा चीज भूल जाता हूँ। टीचर कैसे बने फिर? टीचर गजनी भी तो टीचर बन सकता था ना। अब गजनी नहीं सर बना उसे। सर वो मुन्ना भाई आप MBBS ना करते दूसरी हैं, फिल्म बना लो, गजनी कौन सा? 2.0। नहीं यार, 2.1 तो सब बनाते हैं, हम माइनस में बनाते हैं। गजनी -1 नहीं वो सही रहेगा। MBBS, हाँ सर वही बना लो। मुन्ना भाई MBBS वाली थी ना मूवी, उसमें भी मस्त MBBS करे थे वैसे सर, IIT मुन्ना भाई ITJ। सर। यस सर। नहीं सर, पांडे भाई IIT JEE। सर ऐसे बना दे, ठीक है। पैसा कौन देगा मूवी बनाने का? तो PM हो गए आप। जिस दिन होगा तब ना, फिर तो वो एक दिन मूवी बना दे। ये करप्ट आदमी है। सर हम इंजीनियर बन के आपको डोनेशन दे देंगे। डोनेशन दोगे आप लोग? यस सर। सर मतलब आप यही सोच रहे हो कि सर एकदम गरीब पार्टी से होंगे। हाँ जी। तो सच में देना है आपको मम्मी पापा का नंबर? नहीं, मस्ती कर रहा था। आपको मार खाना है तो नंबर दे दो। नहीं सर मैं तो दे दूंगी, दे लो तो इतनी अच्छी मैं भी अच्छी दे दूंगी। उतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा ना आप लोगों के बारे में। बोलूंगा कि बच्ची बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, हर क्लास में आती है, ये तो ठीक है। आके सीख कर क्या जाती है मैं नहीं जानता हूँ। सर आपको कभी ना हमने क्वेश्चन भेजे, ना आपको कभी हमने असाइनमेंट भेजी, ना आपको सॉल्यूशन भेजा अवंती सर। वो होता क्या? सुनानी, तुमने सर ने क्या बोला, असाइनमेंट करने का घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं वही तो बोलूँ, हमने तो कोई भेजा नहीं। ना करने का घमंड है। यस सर वही तो। करते हैं कहानी शुरू ऑलरेडी, ठीक है। हम लोगों ने 10 मिनट इंतजार कर लिया लोगों का, लोग जा रहे हैं, फेयरवेल दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कई लोग रो रहे होंगे। चलिए फिर हम लोग करते हैं पढ़ाई। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। नाम तो सुना ही होगा इसका। हाँ सर मैंने स्टार्ट करना था आज ही। कुछ करना खतरनाक सा लग रहा है। स्टार्ट करना था मतलब रिवीजन में, हाँ सर आता ठीक है। नहीं ना मेरे को। चलिए जी फिर, ठीक है। अब तो और अच्छी बात है ना, अब हम भी पढ़ रहे हैं, आप रिवाइज भी करोगे, तब तो कॉन्सेप्ट और चमकेगा। पहले बेटा बता दूं कि कंटिन्यूटी मेंस के लिए बोलो, एडवांस के लिए बोलो, या बोर्ड के लिए बोलो, हर साल इनसे सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड वाले तो पता नहीं क्या है, प्यार करके बैठे हैं इस चैप्टर से। एक ही सवाल 3 साल लगातार पूछ देते हैं। CBSE वाला एक बार सवाल लिया था, मैं लिखा हूं कि 2002 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में सेम सवाल पूछा हूं। पता नहीं क्या उसको एक ही क्वेश्चन दिखा था इस कंटिन्यूटी चैप्टर से। 4 साल लगातार, 3 साल लगातार पूछा, 1 साल पहले पूछ लिया था। वैसे बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब आप लोग कंटिन्यूटी पढ़े हो तो थोड़ा बहुत बताओ कि क्या क्या पढ़े हम लोग। ग्राफ छोड़ो, ये ग्राफ क्या है, कैसा है सर, इनका बिहेवियर छोड़ो अभी। आप लोग बताओ बेटा कि पूरे कंटिन्यूटी चैप्टर में हमारा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो बताओ, हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं वो बता दूंगा। बताइए, हो सके तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर बैठा करो, मार अरे पीट अब पापा के सुन रहे बोलिए। सर। सबसे पहले कंटिन्यूटी में आपने क्या सीखा है, पहले बोलो तो मैं देखूं कि आपने किस लेवल पे कंटिन्यूटी का पढ़ाई किया है। हमने पढ़ा ही नहीं है स्कूल में, थोड़ी छुट्टी है। नहीं फर्स्ट कंटिन्यूटी बेटा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट नहीं है, चैप्टर फिफ्थ चैप्टर है। चैप्टर है फर्स्ट हमारे बुक में, तो फर्स्ट चैप्टर था इसलिए मेरे को फर्स्ट अच्छा दिख तो रहा वो फिफ्थ चैप्टर तो खरा है, चला हुआ है वो तो मेरा। है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर का नाम है। हाँ सर फिफ्थ चैप्टर। यस सर तो बताइए बेटा कंटिन्यूटी में क्या जानते हो आप। कल बोला था ना आप लोगों ने कि सर आप हिंट दे, आप क्वेश्चन पूछ के आंसर खुद ही दे देते हो, तो आज मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर आप लोग दे दो, ठीक है। हाँ सर पूछा तो बस। देखते हैं कितना देर में देते हो। यस बोलिए, सर कंटिन्यूटी में आप क्या जानते हो? हम उसमें चेक करते हैं ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर जिस पॉइंट पे वो दिया उस पॉइंट पे निकालते हैं, अगर वो सारे इक्वल हो तो मतलब उस पॉइंट पे वो इक्वेशन कंटिन्यूअस होता राइट, है। यस सर बहुत बढ़िया। यस। अब ये देखो, ये आप लोगों का माइंडसेट हुआ कि सर हमने पढ़ाई ऐसा किया है। इंडिया के 90% बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, सारे बोर्ड वाले तो 100% मान लो,
ऐसी अरे बेवकूफ। अब दिखाता हूं असली पिक्चर आपको, मैं वैसा फंक्शन दूंगा जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होगा ही नहीं और वो कंटिन्यूस होगा। सॉरी सर आज कहीं गई थी तो लेट हो गई। नहीं बेटा टाइम पे हो, जस्ट मैंने शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा सिलेबस क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। अब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में कितने सारे सब टॉपिक्स आएंगे ये हम बाद में देखेंगे। सेकेंड टॉपिक आएगा कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, या मैं ऐसा बोलूं तो ये हो जाता है बेटा कंटिन्यूटी इन इंटरवल। अब वो इंटरवल दो टाइप का हो सकता है, या तो आपका ओपन इंटरवल ए टू बी होगा, नहीं तो क्लोज इंटरवल ए टू बी होगा। दो टाइप के इंटरवल्स हो सकते हैं। तो मिला जुला करके बेटा हमको कंटिन्यूटी अगर चेक करने की बारी आती है तो हम सिर्फ तीन जगह पे ही चेक करते हैं, या तो किसी पॉइंट पे चेक करेंगे, नहीं तो किसी इंटरवल में चेक करेंगे। अब वो इंटरवल का शक्ल कैसा हो सकता है, या तो दोनों साइड ओपन होगा या तो दोनों साइड क्लोज होगा। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है सर, ये एक ऐसा चैप्टर है आपको सीखना होता है कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस है और फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस है, दोनों चीज पे हमको टारगेट करना होता है। अगर सवाल है कंटिन्यूअस है तो कहां कहां कंटिन्यूअस है, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है और किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है ये भी बताना होता है। तो डिसकंटिन्यूटी भी हमारे चार टाइप्स की होती है। कंटिन्यूटी हम कितने टाइप्स के पढ़ रहे हैं बेटा, तीन टाइप्स के। डिसकंटिन्यूटी हम कितने टाइप्स के पढ़ेंगे, चार टाइप्स के। चार टाइप्स के हम लोग डिसकंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। अब ये तीन टाइप्स के कंटिन्यूटी में आप पढ़ोगे कंटिन्यूटी ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है हमने फंक्शन में पढ़ के रखा है। फिर हम इनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, ये सारा चीज इनमें आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा लोग कंटिन्यूटी क्या है, तो सिर्फ इन्हीं तीन पॉइंट के अराउंड घूमेगा। एक पॉइंट में निकालिए, ओपन इंटरवल में निकालिए, नहीं तो क्लोज इंटरवल में निकालिए। जब जेई सवाल पूछता है तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कंटिन्यूटी एट पॉइंट पे, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा सेकंड पॉइंट से सवाल ही नहीं आएगा, सवाल वहां से भी आता है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि अगर आप एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालना सीख गए तो पॉइंट के कलेक्शन से ही तो इंटरवल्स बनते हैं, और जब इंटरवल पॉइंट के कलेक्शन से ही बनता है तो जब हमको पॉइंट ही आ गया तो इंटरवल निकालना कौन सी बड़ी बात है सर, वो भी सीख जाएंगे। तो आज हम अपने लेक्चर में सीखेंगे बेटा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होगा। अब ये पूरा का पूरा फ्रीडम आपको देता हूं कि जरा सोचिए कि वो पॉइंट मैं कहां कहां रख सकता हूं सर। सिंपल, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ध्यान से अपने आप ऑब्जर्व कीजिए कि सर अगर हम अगर उस टॉपिक को निकालते, अगर हम भी मान लो कि आप ही इस टॉपिक पे इन्वेंट कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो आप पॉइंट को कहां कहां रख सकते हो। पूरा एक्स एक्सिस आप जानते हो, अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट आप कहां कहां रख सकते हैं सोचकर देखिए। मैं ग्राफ बना लेता हूं क्योंकि पॉइंट कहां रखेंगे सर, ग्राफ के अंदर रखेंगे। अब एक फेमस ग्राफ है जो मैं हर बार हर बच्चों को सिखाता हूं कि मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहां पे रखा, ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट मैंने यहां पे रखा, फिर मैंने ग्राफ को फोटो बनाया यहां से यहां और एक ग्राफ का फोटो बनाया यहां से यहां। मैंने तीन पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को बोला जीरो, इसको बोला वन एंड इसको बोला माइनस वन। अब मेरे से कोई बोले कि आप कंटिन्यूटी चेक करके बताओ तो मैं तीन जगह पे निकाल सकता हूं, नहीं मैं कई जगह पे निकाल सकता हूं सर। एक तो आप सिंगल पॉइंट जीरो पे निकाल सकते हैं, दूसरा आप वन पे निकाल सकते हो, माइनस वन पे निकाल सकते हो, या तो इन फंक्शन के डोमेन में। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा इस फंक्शन का डोमेन कितना है, डोमेन बताइए। माइनस इनफिनिटी से वन और वन से इनफिनिटी, माइनस वन और वन से वन से प्लस इनफिनिटी, वन से इनफिनिटी और यूनियन जीरो, ये डोमेन है।
तो सर अगर हमको पॉइंट रखना है तो मैं इस फंक्शन के डोमेन में कहीं भी पॉइंट रख सकता हूं, और एकदम बिल्कुल सा ऑब्वियस सा लगता है कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अगर फंक्शन का डोमेन यही है तो मेरे को पॉइंट ही रखना है तो मैं तो कहीं भी रख सकता हूं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। अब जो जो बात बताऊंगा, जो जो टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, आपको दिमाग में रखना है कि सर ये वर्ड का मतलब ये होता है। अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूं, पूरे ग्राफ में तो जो हमारा जीरो है वो एक सिंगल पॉइंट है, इसको बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड का मतलब होता है उसको अलग कर दिया गया है, आइसोलेटेड पॉइंट। यस सर। अब आइसोलेटेड पॉइंट हो गया जो कि सर बिल्कुल ही अलग है पूरे ग्राफ में, जीरो आइसोलेटेड समझ लो कैसे डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट से। सेट थ्योरी में आप यही पढ़े हो ना कि डिस्क्रीट पॉइंट्स को सर हम लोग ब्रेसेस में लिख देते हैं, तो ये आइसोलेट करके लिखा गया है। अगर मैं वन की बात करूं तो वन एक ऐसा पॉइंट है सर कि जिसके राइट साइड में जाओगे तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर वन के लेफ्ट साइड में जाओगे तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि सर ये वन टू इन्फिनिटी में जो वन है वो लेफ्ट बाउंड्री है कि आप और लेफ्ट में नहीं आ सकते हो। इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप लोग कि सर फॉर दिस पार्ट ऑफ डोमेन वन इज लेफ्ट बाउंड्री, तो वन को क्या बोलेंगे बेटा लोग, लेफ्ट बाउंड्री, लेफ्ट बाउंड्री। सिमिलरली आप माइनस वन को बता सकते हैं क्या होगा, राइट बाउंड्री, ये राइट बाउंड्री हो सकता है। लेफ्ट बाउंड्री का मतलब क्या है कि सर लेफ्ट में उसका डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि लेफ्ट में लिमिट लग गया ना, लेफ्ट में बाउंड्री है और लेफ्ट में नहीं जा सकते हो। राइट बाउंड्री का मतलब हो गया कि सर राइट में बाउंड्री है अब और राइट आप नहीं जा सकते हो। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तो हम तो सर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक तो हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करें तो या तो मैं आइसोलेटेड पॉइंट में निकालूंगा, नहीं तो मैं बाउंड्री पॉइंट में निकालूंगा। एक और हो सकता है कि मैं सर विद इन द डोमेन कहीं पे भी पॉइंट रख दूं। लेट से कि मैंने रख दिया या मैंने रख दिया यहाँ पे बी। अब ए और बी को क्या बोला जाता है, इंटीरियर पॉइंट। समझ गए इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन के डोमेन के अंदर जो ग्राफ पे लाइक अंदर लाइक। परफेक्ट। या इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ए एक इंटीरियर पॉइंट तब कहलाता है जब उसके लेफ्ट साइड में भी ग्राफ एग्जिस्ट करे और राइट साइड में भी ग्राफ एग्जिस्ट, उसके कोई बाउंड्री नहीं है सर। आपको अगर लेफ्ट में जाना है लेफ्ट में जाइए, अगर राइट में जाना है राइट में जाइए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब अगर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट बात किया जाता है तो बेटा हम इन चार पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आज कि आइसोलेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे निकाला जाए, लेफ्ट बाउंड्री हो तो कैसे निकाला जाए, राइट बाउंड्री हो तो कैसे निकाला जाए, और अगर इंटीरियर पॉइंट हो तो कैसे निकाला जाए। जेई के काफी सारे क्वेश्चंस देखोगे जहां पे इंटीरियर पॉइंट का मामला आएगा। ये सब जानते थे आप, नाम भी नहीं सुना था ना? तो फिर आप क्यों बोले कि सर हमने कंटिन्यूटी पढ़ लिया है? मैंने तो नहीं बोला था। हाँ बोला कि हमें आता है, यही आता है, आप जानते ही नहीं हो कुछ। चलिए पहला पॉइंट सीखते हैं। पहला पॉइंट क्या सीखेंगे हम लोग? हाँ जी, कंटिन्यूटी एट कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट टू ए व्हेन एक्स इक्वल टू ए इज व्हेन एक्स इज आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, और जा करके आप किसी से भी पूछना ना, आप ये बोलना कि बेटा ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो बोलेगा कंटिन्यूअस है। फिर आप बोलना कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, तो बोलेगा डिसकंटिन्यूअस है, टूट गया। फिर आप बोलना कि बेटा अब बताओ ये क्या है, सर एकदम से बता देगा वो। क्या बोला आपने, देख के बता देगा वो, देख के बता देगा ना। अब मेरा सवाल बताओ कि ये पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, देखकर बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इसमें ग्राफ का है पॉइंट है वो, तो बताओ पॉइंट पे। मेरी मर्जी, मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं पॉइंट ड्रॉ करूंगा, बताइए। पर ये पॉइंट काम बजा रहे हैं, हमको कैसे लगेगा पता? आप बताओ, देखकर बताओ, आपने बोला ना सर हम देखकर बता देंगे, आप बताओ देखकर के। मैंने कहा आगे जिसको, उन्होंने बोला कि वो देख के बताएगा, ये ग्राफ ही होता है।
अच्छा पॉइंट बी। अब तो बताओ, ये मैं बात बताऊँ किस है, क्या ग्राफ पे है, मैं बता रहा हूँ किस ग्राफ पे बेटा। मैं बोल दूंगा एक मुझे ग्राफ बनाओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू टू। बनाइए ग्राफ इसका, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स टू होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है ना कि अगर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो मैं कई ग्राफ बना सकता हूँ, वन पे बना सकता हूँ, टू पे बना सकता हूँ, तीन पे बना सकता हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन बना दूंगा सर, क्योंकि पूरा रियल नंबर के लिए मेरा स्ट्रेट लाइन बनता। अब की बार मेरा पूरा रियल नंबर लेना ही नहीं है सर, मेरे को सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है। तो मैं जहां जहां नेचुरल नंबर होंगे सर वहां पे मैं पॉइंट मारते जाऊंगा। मेरे यहाँ पे दो कंडीशन है सर, एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और एक्स का दो वैल्यू भी टू होना चाहिए। तो कितने लोग समझ गए कि फिर तो सर यही ग्राफ आएगा आपका, आप तीन सर, लिख सकते हो, एक यस लिख सकते हो, तो पॉइंट तो यही होगा। आप कैसे बोल रहे कि सर ये फंक्शन नहीं होगा? सर, मान गए मान गए, मानना तो पड़ेगा अब बताओ बंद बुद्धि जी। ग्राफ नहीं है सर। तो सुनिए बेटा, कोई भी फंक्शन एक पॉइंट पे हमेशा बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस माना जाता है, अपने आप कंटिन्यूअस है। तो अगर आपको कोई बोले ना ऐसा कि बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, बोलना कंटिन्यूअस है। समझ गए? पूछेगा कैसे, तो बोला बस ऐसे ही होता है तो होता है, बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। आप ये बोल सकते हैं कि अगर ग्राफ आप ये ले रहे हो, मैं वापस से ऊपर वाला ही ग्राफ लेता हूं, ग्राफ मेरा ऐसा था और ये मेरा जीरो पॉइंट था, तो मैं लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट कहां पे, x इज इक्वल टू जी जीरो प्लस ये मेरा -1 था एंड ये वाला 1। तो वन। एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन एक बात और है, दुनिया वाले आपको वापस मूर्ख बना सकते हैं, वो एक देंगे ग्राफ जो बिल्कुल कंटिन्यूअस दिखेगा, फिर बोलेंगे कि यहाँ पे कोई फंक्शन का वैल्यू टूटा हुआ है ऐसा। अब बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मॉड एक्स ग्राफ है, मैंने जीरो पे फंक्शन तोड़ दिया है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस डिसकंट बताओ आप लोग, हम ग्राफ देख करके कंटिन्यूटी बताते हैं, आप बताओ। सर, हमने मैं कब मतलब बोला डिसकंटिन्यूअस, मैंने ये बोला था कि डिसकंटिन्यूअस? आपने बोला कि आप किसी भी पूछ लेना वो आपको बता देगा, तो मैंने कहा कि हम उससे ऐसे पूछेंगे वो देख के बता देगा। यस सर, हमने तो ऐसे बोला, आपको समझ नहीं आया ढंग से सर। ठीक आप है, आई एम भी सॉरी। ये अब बताइए, क्लास माफ लाके कीजिए, कंटिन्यूअस अब बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, इस बोल तो आंसर इज कंटिन्यूअस है। देखो कैसे बेटा आगे। लोग, इसमें आपने आपके दिमाग में तो यही आ रहा है ना कि सर जीरो पे ग्राफ टूटा है तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। आप देख क्यों रहे हैं, जीरो तो है ही नहीं फंक्शन के डोमेन में। जब डोमेन में जीरो था ही नहीं तो मैं जीरो पे चेक क्यों करूंगा? हाँ जी, नाइस, आपने क्वेश्चन भी क्यों पूछा फिर ऐसा? मतलब आपको मूर्ख कोई भी बना सकता है ना? नहीं नहीं सर, हाँ सर, बात वही है कि बचपन में पंडित जी बोल दिए थे मम्मी से, बेटी समझदार होगी, पंडित जी पैसा लेकर चले गए, हम समझदार नहीं हुए। नहीं मैं उस पंडित को ढूंढ रही हूँ अभी तक भी, क्या उस बोलोगे? पंडित को ना मिल मैं गया, ढूंढ रही हूँ। ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ गए बेटा लोग आप लोग, क्या यस एक्चुअली यस सर, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होता है, हम उसको कंटिन्यूअस पॉइंट ही बोलते हैं। ओए लाइट गई। अरे भूत, लाइट सर, हाँ जी, हाँ जी, आ गया, आ गया भाई। तुम टिकट टेलीविजन के एक्टर लग रहे हो, मेरा शक्ल मत देखना आप लोग ना। आप एलियन लग रहे हो। हाँ शक्ल मत देखो, मैं एलियन जैसा दिखूंगा अभी। नहीं सर, वो 90 के टेलीविजन पे एक्टर होते हैं ना, वो वैसे लग रहे रुक जाओ रुक जाओ, ये लाइट को पता नहीं क्या हो जाता है, हो। इन्वर्टर चला लो, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टर है ही ना बेटा, गरीब आदमी मैं। हाँ सर, झूठ कम बोलो आप।
नहीं बात ये है ना कि लाइट कटता भी है तो 2-3 मिनट के लिए कटता है या 5 मिनट के लिए कटेगा, फिर मैं इन्वर्टर 5 मिनट के लिए नहीं खरीदूंगा ना। कंजूस हो कंजूस नहीं, समझदार हूं। मुस्कान बोल रही है चार्जिंग बल्ब। अच्छा जला भाई मुस्कान इज बैक सर, गब्बर। दूसरी है ये सर, मुस्कान दूसरी जी। मुस्कान अच्छा, ये दूसरी मुस्कान है। है, ये दिमाग यस सर। चलिए जी। अरे सर क्वेश्चन दिखा दो ना। क्वेश्चन था आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं आ रहा हूं, टेंशन ना लो। चलिए जी, हम लोग ये पढ़ रहे थे, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा कंटिन्यूटी में जब आप लिमिट के सवाल कर लेते हो तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं होता है। दुनिया वाले आपको बस ऐसे ही क्वेश्चंस दे दे के बेवकूफ बना देंगे। आप बोलोगे सर हम तो पूरा लिमिट का प्रैक्टिस करके गए और एक छोटा सा ग्राफ आ गया और हम सर बेवकूफ बन गए, सर हमसे कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं होगा। यही होगा आप लोगों के साथ। चलिए जी, अब मैंने आपको आइसोलेटेड पॉइंट पे सिखा दिया, चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ बाउंड्री पॉइंट, सेकेंड हेडिंग क्या होगा मेरा, कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम बाउंड्री पॉइंट पे। सो फर्स्ट क्या था, कंटिन्यूटी एट आइसोलेटेड पॉइंट। सेकेंड होगा हमारा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट अ बाउंड्री। बाउंड्री पॉइंट। अच्छा अगर मैं बेटा बाउंड्री पॉइंट की बात करता हूं तो मेरे सामने कितने रास्ते आएंगे, दो रास्ते आएंगे सर। दो तो आप लेफ्ट बाउंड्री पे चेक करोगे या तो आप राइट बाउंड्री राइट पे। बाउंड्री। अब लेफ्ट बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि जिसके और लेफ्ट में फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। जैसे कि आप इस ग्राफ को देखिए, अगर 1 से आप थोड़ा सा भी लेफ्ट आओगे तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। इसलिए मैंने 1 को क्या बोला था बेटा कि लेफ्ट में आने का ये बाउंड्री है, अब और लेफ्ट में नहीं आ सकते। नाम से समझिए कि लेफ्ट बाउंड्री का मतलब हो गया बेटा लोग कि लेफ्ट में बाउंड्री लग गया, अब और लेफ्ट में आप नहीं जा सकते हो। क्या लेफ्ट बाउंड्री में राइट में जाना अलाउड है बच्चा लोग? बिल्कुल अलाउड है सर, आप राइट में सर जाएं। कोई पंगा नहीं है, राइट में आपको ग्राफ मिलेगा। वैसे ही अगर मैं राइट बाउंड्री की बात करता हूं तो राइट में बाउंड्री है, इसका मतलब सर और राइट नहीं जा सकते आप, क्योंकि राइट में बाउंड्री लग गया। तो राइट बाउंड्री में हम कहां आएंगे, लेफ्ट में आएंगे सर। लेफ्ट बाउंड्री में हम कहां आएंगे सर, राइट में आएंगे। तो नाम उल्टा है लेकिन समझोगे तो बाउंड्री का मतलब वही होता है कि राइट बाउंड्री मतलब और राइट नहीं जा सकते आप। बात समझ में आ गया? मैं यस सर। अब आपको सिखा रहा हूं बेटा लोग, पहला इसमें लेफ्ट बाउंड्री क्या होगा। कोई ऐसा मुझे फंक्शन आप लोग बता सकते हैं सोच करके जिसमें किसी पॉइंट पे लेफ्ट बाउंड्री लगा होता हो? दिवा इतना टफ सवाल सर, अगर हम इतना ही जानते तो सर हम पूरा महान नहीं बन जाते सर, कल के दिन हम मीडिया में आ जाते, न्यूज़पेपर में आ जाते सर, कहां कहां आ जाते सर, आप क्या जानते हो अभी? बेटा मैं सिंपल सर क्वेश्चन पूछा हूं कि एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसमें आप जानते हो कि सर इस पॉइंट पे लेफ्ट बाउंड्री होता है, बहुत फेमस है। वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, रूट एक्स। आप जानते हो ना कि सर एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर। के अंदर कोई भी फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। भूल गए? हाँ सर भूल गए। सर ये तो बात सर बात ये है ना कि जब सर कोई इतना भूलता है तो सर बच्चे भी तो भूलेंगे ही ना, है ना? हाँ सर, बस एक पॉइंट मिल गया बेटा, हम चेक कर रहे हैं जीरो पे। अब ध्यान से देखिए कि अगर मुझे कंटिन्यूटी एट जीरो चेक करना है तो मैं जीरो, अब मुझे बताओ बेटा लोग क्या मैं जीरो माइनस चेक करूंगा क्या? क्या मैं नो लेफ्ट साइड में आऊंगा? नहीं आओगे सर, क्योंकि सर। लेफ्ट बाउंड्री है, फंक्शन जीरो माइनस भी डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि जीरो माइनस डोमेन में नहीं है सर। एंड वी ऑलवेज चेक लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, मानकर चलिए बेटा पूरा कैलकुलस हम लोग विद इन डोमेन पढ़ते हैं, डोमेन से बाहर जाना ही नहीं है। समझ के समझो कि कैलकुलस एकदम खड़ूस परिवार का घर है, कि अपने बच्चों को अलाउड ही नहीं करता बाउंड्री से बाहर जाना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा लोग, एफ ऑफ जीरो माइनस। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो मैं चेक करूंगा पहले कि सर एफ ऑफ जीरो कितना होगा, एंड दूसरा चेक करूंगा मैं एफ ऑफ जीरो
प्लस कितना होगा, मैं जीरो माइनस पे चेक नहीं करूंगा। एफ ऑफ जीरो कितना होगा बेटा लोग, रूट के अंदर जीरो डालेंगे जीरो, और एफ ऑफ जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब समझते हो ना क्या होता है, लिमिट प्लस रूट एक्स। तो जब आप राइट से आएंगे तो ये भी फंक्शन कहां पे दिखेगा बेटा लोग, जीरो दिखेगा, क्योंकि आपने देखा कि सर फंक्शन का वैल्यू एट जीरो एंड उसके राइट नेबरहुड में भी फंक्शन का वैल्यू जीरो ही आ रहा है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि y इक्वल टू रूट एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, देयरफॉर ऐसा लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहां पे बच्चा लोग, जीरो, एट जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जाने से पहले मैं राइट बाउंड्री भी आपको पढ़ाई देता हूं कि राइट बाउंड्री क्या होगा सर। सो लेते हैं यहां पे राइट बाउंड्री को, राइट बाउंड्री में क्या होगा सर बेटा, राइट बाउंड्री में भी आप समझते हो सर, एक फंक्शन ऐसा लो जिसके राइट में कोई फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। चलिए उसके लिए मैं एग्जांपल रख देता हूं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और मैं x बिलोंग्स टू दे दिया जीरो से लेकर के वन तक, x आपका इतना ही होना चाहिए। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा फ्रैक्शनल पार्ट x का, तो ग्राफ कुछ जीरो से वन में कैसा आता है सर, ये रहा जीरो से वन में ग्राफ। जीरो पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जीरो, वन का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बेटा लोग, जीरो। वन पे भी जीरो होता है ना बेटा, वन पे जीरो होता है, वन पे जीरो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीग्रल वैल्यू जीरो, जिंट ऑफ एनी इंटीजर इज इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाता है, गायब कर देता है, भूल गए ना सर, सारा मेहनत बर्बाद। बताओ, बहुत दिनों से रट रहा हूं कि बेटा फंक्शन पढ़ लो, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे सर, हम तो कसम खा लिए। चलिए राइट बाउंड्री में मैं जरा फंक्शन का वैल्यू वन पे चेक करना चाहता हूं। तो हमने देखा कि सर अगर मैं एफ ऑफ वन निकालूंगा, f of 1 मतलब सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 क्या होता है बेटा लोग, जीरो होता है। अगर मैं ये बात करूं सर एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, क्योंकि 1 से आगे जाना नहीं है, आप देखिए 1 पे राइट बाउंड्री है, आप 1 से आगे जा ही नहीं सकते सर। जब 1 इज अ राइट बाउंड्री देन वी विल चेक 1 माइनस ओनली। तो मैं क्या चेक करूंगा, 1 से माइनस में फंक्शन का वैल्यू, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और जब बेटा वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे आप, तो अप्रोच करके देखिए कहां पे जा रहा है फंक्शन, वन पे जाता है। ये टॉप वैल्यू कौन सा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज ही होता है जीरो से वन के बीच। तो वन माइनस क्या हो गया, वन हो गया ये। तो अब यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हैं बेटा लोग हम लोग, सर यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि सिंस f of 0 is not equal to f of 0 plus, therefore y is equal to fractional part of x is not continuous boliye ya discontinuous boliye at x is equal to 1. Now let's check the same function at x equal to 0. Ab main x equal to 0 pe bhi aapko check karke dikha raha hu kya hoga, x equal to 0 pe check karke dekhte hain sir kya hoga। लाइट आ गया, कैमरा तो ऑन कर ही सकते है ना, कैमरा ऑन कर लो आप। वाओ, सब ताली बजा रहे हैं सर, खुश हो गए शक्ल देख के आपकी, मन तो कर रहे हैं सर जंगल में भाग जाएं डर के, है ना। नो चलिए अब बेटा सेम क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इस सवाल में ये किया था, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब मेरा पहला सवाल ये था कि मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करता हूं 1 पे। अब मैं सेम क्वेश्चन क्या था बेटा लोग, यहां पे 1 इसका राइट बाउंड्री था, 1 से और आगे नहीं जा सकते थे,
जीरो क्या है, लेफ्ट बाउंड्री, आप और लेफ्ट में नहीं आ सकते क्योंकि फंक्शन जीरो से वन के बीच में छुपा है, बात समझ गए। सेम फंक्शन हम डिस्कस करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या चेक करूंगा बेटा लोग, अब जीरो मेरा लेफ्ट बाउंड्री है, मैं पहले फंक्शन का जीरो पे वैल्यू चेक करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो इज जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीग्रल वैल्यू जीरो, दुनिया का कोई भी इंटीजर डालोगे फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो बना देगा वो, और जिंट उल्टा काम करता है वो एज इट इज बाहर निकाल देता है। अब क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री है जीरो माइनस, तो मैं राइट वाला वैल्यू चेक करूंगा, क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री है तो और लेफ्ट नहीं जा सकते आप एफ ऑफ जीरो माइनस नहीं लिखोगे सर, आप एफ ऑफ जीरो प्लस चेक करोगे। आप जीरो प्लस पे देखिए ग्राफ कहां पे लेके जा रहा है आपको, जैसे ही आप जीरो को राइट से अप्रोच करना शुरू करोगे ग्राफ भी जीरो। तो मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं, जीरो। तो हमने क्या यहां से कंक्लूड किया सर, कि सिंस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो देन या देयरफॉर y is equal to fractional part of x is continuous at x equal to zero. Same function, one पे discontinuous था, लेकिन one पे zero पे continuous आया। बात समझ में आई? तो यहां से बेटा एक point निकल के आता है कि अगर कोई function right boundary पे discontinuous है तो जरूरी नहीं है कि वो left boundary पे भी discontinuous होगा ही होगा, वो लेफ्ट बाउंड्री पे कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो लेफ्ट बाउंड्री पे डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कंटिन्यूटी में किसी एक पॉइंट को देख करके जजमेंट नहीं ला सकते कि पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। बोल दिया गया कि y equal to fractional part of x का continuity चेक करो, तो मैं गया और सिर्फ 1 पे चेक किया, 1 पे function discontinuous आ गया, मैं answer में लिख के आ गया सर overall y equal to fractional part is discontinuous function। ना, पहले आप बताओ कि कितने interval में आपने चेक किया है, कौन से point पे आपने निकाला है, तब आपका सवाल valid होगा। आप ये जाकर बोल दिए रहते कि y equal to fractional part of x is discontinuous at x equal to 1, सही था, बात समझ में आया? तो आपको डेफिनेशन पूरा बोलना पड़ेगा। और अगर आप जज कर रहे हो कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बेटा एक पॉइंट को देख करके आप जजमेंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। यस सर। आपको बता रहा हूं, अभी हमने सीखा क्या, हमने सीखा ठीक है ना, अब मैं इंटीरियर पॉइंट भी सिखा करके उसके बाद में कंक्लूड करके आपको बता दूंगा कि हमने ये सीखा है। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, When x equal to a is an interior point, ये क्या है बच्चा लोग, इंटीरियर पॉइंट है। अगर इंटीरियर पॉइंट होगा तो सर वो कैसा दिखेगा, एक ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। अगर वो फंक्शन ग्राफ बेटा ऐसा हो गया, मान लीजिए ये ऐसा हो गया और a मैं मान लेता हूं कि सर यहां पे है, so x equal to a is an interior point। इंटीरियर पॉइंट का मतलब हुआ कि सर वो पॉइंट डोमेन के अंदर है, अगर डोमेन के अंदर है तो उसके लेफ्ट साइड में भी हम लोग जा सकते हैं, उसके राइट साइड में भी हम लोग जा सकते हैं और फंक्शन पे वैल्यू भी एग्जिस्ट करना चाहिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो हम कब बोलेंगे बेटा लोग इंटीरियर पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जब तीन चीजें सेटिस्फाई करेगा सर। पहला क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि सर एफ ऑफ ए आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, सबसे पहली बात कि आप जिस पॉइंट पे फंक्शन निकालना चाहते हो कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, पहले उस पॉइंट पे चेक तो करो कि सर फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। फिर क्या करोगे, एफ ऑफ ए माइनस निकालोगे, वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर आप क्या निकालोगे बेटा लोग, एफ ऑफ ए प्लस निकालोगे और वो भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है सभी लोग को? यस सर। देन वी विल कंक्लूड, कब तीनों एग्जिस्ट किया और फिर हमने देखा कि सर अगर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए तीनों ही इक्वल आ गए, तब मैं बोलूंगा कि सर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। बात समझ में आ गई बेटा लोग? यस सर।
यस सर। सर क्या आप एग्जांपल से बता सकते हैं इस सवाल को? हाँ जी बिल्कुल। मान लीजिए मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहता हूं, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के पाई। ये मेरा सवाल है कि मैं फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं जब मेरा फंक्शन साइन एक्स है और एक्स का वैल्यू पाई बाई टू है एंड एक्स जीरो से पाई बाई टू में आता है। तो मैं तो पहले देखूंगा कि सर की वाई इक्वल टू साइन एक्स, या आप ऐसा बोलिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो मैंने सर ग्राफ बनाया जीरो से पाई में, तो ग्राफ बना कुछ ऐसा। इसको ये मत बोल देना सर पैराबोला है, हर कटोरी पैराबोला नहीं होती है। जीरो से पाई, अब बेटा आ गया पाई बाई टू, पाई बाई टू की बात करते हैं सर, पाई बाई टू तो यहाँ पे आएगा। अब कितने बच्चे समझ गए कि सर पाई बाई टू तो इंटीरियर पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर बेटा मुझे कंटिन्यूटी जीरो पे चेक करना होता तो मैं इस पॉइंट का नाम क्या बोलता? लेफ्ट बाउंड्री। पाई पे क्या बोलता? राइट बाउंड्री। इस फंक्शन के राइट में कोई और नहीं है तो राइट बाउंड्री है। अब जीरो के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये लेफ्ट बाउंड्री है। और पाई बाई टू का कौन सा पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट में तो सर हमको ये काम करना पड़ेगा। अब साइन का पाई बाई टू पे तो वैल्यू वन होता है। इंटीरियर पॉइंट में सर हम लेफ्ट नेबरहुड भी चेक करते हैं, राइट नेबरहुड भी चेक करते हैं और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो सर तीन काम करेंगे हम लोग। फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ऐसा निकालेंगे ना, एफ ऑफ पाई बाई टू कितना होगा बेटा लोग? वन, क्योंकि साइन पाई बाई टू वन होता है। एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस चेक करेंगे हम लोग। अब पाई बाई टू को जब आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो ग्राफ कहां पे जा रहा है बच्चा लोग? वन पे जा रहा है। अब पाई बाई टू को जब आप राइट से अप्रोच करोगे तो ग्राफ कहां पे जा रहा है? देखिए जरा, वन पे जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस इज इक्वल टू वन। और हमने ये देखा कि सर तीनों आपस में बराबर है, दैट मीन्स एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू बराबर है। देन वी कैन से देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। बात समझ में आ गई सारे लोगों को? यस सर। अब हमने ये तो सीख गया कि सर ठीक है चलो मान लिए कि हाँ कंटिन्यूअस होता है। अब सवाल ये है कि सर हम डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटा अगर चैप्टर में हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो पैरेलली हमको डिसकंटिन्यूटी भी आना चाहिए कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस यहाँ पे तो सर डिसकंटिन्यूअस कैसा होगा। अब तीनों पॉइंट को सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सारा पॉइंट हमने सीख लिया सर, लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री। आइसोलेटेड पॉइंट बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होता है, सोचना ही नहीं है। एम लेफ्ट बाउंड्री पे डिसकंटिन्यूअस कब होगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मेरा सवाल ये रहा कि कंटिन्यूअस व्हेन। अब मैं थोड़ा समरी करके समराइज करके लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लेट्स समराइज दिस। समरी में हमने क्या देखा कि पहला देखेंगे सर कंटिन्यूअस व्हेन बोल दीजिए, या मैं इसको सोच रहा हूं चेक पॉइंट लिख दूं ये कब आपको चेक करना होगा। अब आप देखिए तीन पार्टी बना रहा हूं यहाँ पे। पहला पार्टी आम आदमी पॉइंट, दूसरा पार्टी बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री में लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री इंटीरियर पॉइंट। ध्यान से समझो, बातें कर रहे हैं आप लोग? सर नहीं ना, मत ही करो। कैसे करेंगे बातें? सब आपके साथ घर में कोई होगा बेटा, उससे बात कर सकते हो आप? नहीं अकेले हैं हम कमरे में। तब तो ठीक है, फिर तो पढ़ाई कीजिए मन लगा करके। बहुत अच्छी बात है, अकेले करके पढ़ाई करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज आइसोलेटेड पॉइंट, ऊपर में जितना सिखाया सारा एक बार समराइज कर रहा हूँ।
यहां पे क्या आएगा बच्चा लोग, बाउंड्री पॉइंट। ये हो गया आप लोगों का बाउंड्री पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया बेटा लोग, बाय डिफॉल्ट इट इज बोलिए कंटिन्यूअस, हमेशा ये कंटिन्यूअस ही होगा। एक पॉइंट अगर किसी से बोलेंगे ना बेटा ये कंटिन्यूअस ही डिसकंटिन्यूअस, वो गलत बता देगा, बोलेगा आप ही लोग के जैसा नखरा शुरू, सर ग्राफ नहीं है तो हम क्या करें, सर कहां जाएगा फंक्शन, हम कैसे बताएंगे सर, सुबुक सुबुक रोना शुरू कर दोगे आप लोग, वो भी सुबुक सुबुक। हाँ जी सुबुक सुबुक रोगे आप लोग, सर वो आपका भाई था कंफर्म हो गया। बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट में बेटा पहला बात किसकी होगी, लेफ्ट बाउंड्री की, देन राइट बाउंड्री, राइट बाउंड्री, फिर इंटीरियर पॉइंट। बाकी लोग सो रहे हैं क्या, सर जागी तो है, ओ सर सो रहे हैं, तो मेरे तरफ से आपको शुभ रात्रि। इसको आप सपने में देखिए कि आईटी कैसे जाते हैं, जितने लोग किसे बोल रहे हो, मेरे को बोल रहे हो ना, जो लोग सो रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जितने लोग सो रहे हैं बेटा स्वीट ड्रीम, मे यू गेट आईआईटी इन योर ड्रीम। लेफ्ट बाउंड्री में बेटा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस पॉइंट पे, और क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री है तो आपको राइट में जाना है और लेफ्ट में नहीं, एफ ऑफ ए प्लस बराबर हो तब बोलेंगे सर कंटिन्यूअस। राइट बाउंड्री में हमको क्या चेक करना पड़ेगा सर, एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू ए होना चाहिए, और इंटीरियर पॉइंट में क्या होना चाहिए कि सर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस, या ये दोनों बराबर हो एफ ऑफ ए से, तब मैं बोलूंगा सर कि ये चीज कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक तो। अरे भैया आप ऐसा हो जाओ, बिल्कुल आप लोगों के जैसा है, नखरा कर रहे खाली फुकट, आपका पेन भी तो करता है। हाँ जी आपका पेन भी तो करता है ना नखरा, वही तो बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल बी1 बैच से इंस्पायर्ड है ये, सस्ते नशे करता है हो गए शुरू। आप बोलना क्या चाहते हो आप लोग, सर हम आपके पेन से इंस्पायर हुए हैं, ऐसा है क्या, बड़ा बढ़िया चीज बता रहे हो सर, आप सही भी बता रहे हो गलत भी बता रहे हो। हाँ जी बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस व्हेन, ये ग्रीन कलर दिख रहा है सभी लोगों को, ग्रीन कहाँ रेड है, ग्रीन है मतलब दिख रहा है, लाल दुपट्टा, हाँ उड़ गया, उड़ गया बिल्कुल दिमाग के जैसा ना, नहीं सर इसमें नहीं उड़ा। चलिए डिसकंटिन्यूअस में क्या बेटा आइसोलेटेड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे ना, नो सर कंटिन्यूअस है, क्या लेफ्ट बाउंड्री पे डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है, क्या हो दो केस हो जाए, या तो आपका उसी पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, आप गए निकालने लेफ्ट बाउंड्री में, मिला पता चला आपको सर लेफ्ट बाउंड्री में फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, या आप ये देखोगे कि सर एफ ऑफ ए प्लस डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, या दोनों दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे, या दोनों आपस में बराबर ना हो, तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा लोग कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अप्लाई विद राइट बाउंड्री, आपका फंक्शन लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट ना करे, या बोलिए फंक्शन उस वैल्यू पे एग्जिस्ट ना करे, या बोल सकते हैं कि सर दोनों बराबर ना हो, जैसा कि हमने क्या देखा राइट बाउंड्री में, क्या देखा था वाई इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट का एग्जाम्पल, वन माइनस कर रहे हैं तो सर वन पे जा रहा है, और एग्जैक्टली वन पे गए तो फंक्शन जीरो दे गया सर, राइट बाउंड्री में सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल के आ गया, केस कौन सा था सर ये वाला कि दोनों पार्टी इक्वल नहीं हुए। इंटीरियर पॉइंट में सर कब कब लोचा होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब बोला जाएगा, या तो आपका एफ ऑफ ए माइनस एग्जिस्ट ना करे,
या तो आपका एफ ऑफ ए प्लस, अच्छा द एग्जिस्ट को मेरे को डज नॉट एग्जिस्ट लिखना चाहिए था, मैं एग्जिस्ट लिख दिया हूं, यहाँ पे लिखना चाहिए सर मैंने भी यही लिखा, फिर यहाँ पे लिखना चाहिए कोई ना, आप दोबारा मिटा लीजिए जैसे मैं मिटा रहा हूँ, कहाँ मिटेगा अब, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, या तीसरा केस ऐसा हो सकता है सर कि एफ ऑफ ए माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, या और एक केस बन सकता है कि सर एफ ऑफ ए माइनस ये बराबर एफ ऑफ ए प्लस से, लेकिन ये बराबर नहीं है एफ ऑफ ए से, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, तो क्या मैं डिसकंटिन्यूटी आइसोलेटेड पॉइंट पे चेक करूंगा ना, क्या मैं डिसकंटिन्यूटी बाउंड्री पॉइंट पे चेक करूंगा, हाँ कहाँ कहाँ जगह सर, लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री इंटीरियर पॉइंट, आप बताओ कहां पे चेक करना है सर, अगर लेफ्ट बाउंड्री में बात हो तो सर मैं ये चेक करूंगा, राइट बाउंड्री की बात हो सर मैं ये चेक करूंगा, और अगर इंटीरियर पॉइंट की बात हो तो सर मैं ये चेक करूंगा, क्या बात समझ आ गई, आ गई सर, सर चमक गया सर चांद की तरह, नहीं हमारे दिमाग की तरह, तब तो रैंडम देश दिख रहा है, नहीं सर को हम और चढ़ाएंगे, जितना सर बोलेंगे ना उतना बोलेंगे हम भी, हाँ अपनी बेइज्जती खुद ही करानी क्या, और मैं क्या बोलूं, सच में आपकी दिमाग की तरह चमका है बेटा कि टाइड की तरह चमका है सर, चांद की तरह है, हाँ जी सर दिमाग की तरह तो फेक होता है टाइड, टाइड फेक होता है, हाँ सर आपको कैसे मालूम, कपड़े का तो कर नहीं पाया उसने दिमाग का क्या करना, अरे डेटॉल से कपड़ा कौन धोता है भैया, चलिए जी आते हैं यहाँ पे, सीख गए समरी यही था अपना, सवाल बना लें सर, वो क्वेश्चन तो बता दो कौन सा सर, देखो आप कितनी जल्दी बोलते हो, मैंने आपको सेंड करा था अभी, वो तुम्हें पूरा ना एक्सपेंशन लगा है, आप एक बार सॉल्यूशन भेजिए अपना, मैं मार्क करके बता दूंगा बेटा ये स्टेप गलत था सर, मैंने करा ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया, हिंट देता हूं, साइन एक्स लो, साइन एक्स का एक्सपेंशन लगाओ, कॉस एक्स का एक्सपेंशन लगाओ, बना दो, सर मेरा क्वेश्चन देखा आपने, सर आप किसका क्वेश्चन बता रहे हो, वो क्या सर रील्स देख देख के ना, आप सही बोल रहा हूं ना, ए sin x + b cos x किसका था, देवा एक क्वेश्चन नंबर 14 किसका था, मेरा था, वही तो बता रहा हूं बेटा, a cos x + b x * sin x - 5 / x / 4, डिनोमिनेटर में x पावर 4 तक जा रहा है, एक्सपेंशन करा दे, एक्सपेंशन लगा दीजिए बन जाएगा सिंपली, दीपिका ही है ना, चलिए नहीं आएगा कल सुबह पूछ लो, लिमिट का सारा डाउट कल खत्म कर दूंगा, कितने बजे लोगे क्लास, कितना क्या बोले आपने, कितने बजे लोगे कल क्लास, 8:30 से लेकर के 12 बजे तक, अरे इधर आ जाओ, इधर 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 बिल्कुल इधर आओ, सुनो मेरी बात सुनो, सवाल है बेटा, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, फंक्शन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे ऐसा है, जब एक्स जीरो है तो फंक्शन ऐसा है, बोल रहा है बताइए कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, एक बात ध्यान से समझो, जब भी फंक्शन का डोमेन नहीं दिया होता क्वेश्चन में, आप डोमेन को नेचुरल डोमेन समझते हैं, ऐसा मान लीजिए साइन एक्स बाई एक्स का डोमेन कितना होगा बेटा, लोग ऑल रियल नंबर बस जीरो नहीं होगा, cos x का डोमेन कितना होगा, ऑल रियल नंबर बस जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको फंक्शन में जब डोमेन निकालना सिखाया था तो आपको बताया था बेटा 10-20 फंक्शन का एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन, आपको डरना नहीं है, सारे फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालो और इंटरसेक्शन ले लो, डायलॉग याद आया, एक मिनट रुको, कल के दिन हम लोग मेंटोस खाना करेंगे शुरू, दिमाग की बत्ती तभी जलेगी सर हमारी, मैं समझ गया।
जल्दी न्यूज़ से फेक मैं है था वो। कि आपको अगर डोमेन 10-20 फंक्शन दे दिया जाए ना तो भी डरना नहीं है, सारे फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालना है और इंटरसेक्शन ले लेना है। साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, लेकिन सर जीरो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा है, तो अल्टीमेटली अगर इनका इंटरसेक्शन लोगे तो जीरो नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? ये पूरा नेचुरल नंबर है, पूरा रियल नंबर डोमेन है सर, इसका बस जीरो नहीं है। अब पूरे रियल नंबर में से मेरे को जीरो पे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी इसका। तो जीरो इंटीरियर पॉइंट हुआ कि क्या, कौन सा पॉइंट हुआ, आइसोलेटेड हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, लेफ्ट राइट बाउंड्री कौन सा पॉइंट होगा बेटा? अगर इंटीरियर पॉइंट की कहानी होती है तो सर हमको तीन जगह चेक करना होता है। एफ ऑफ जीरो माइनस पे चेक करेंगे, जीरो माइनस का मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में डेफिनेशन बताओ। एफ ऑफ जीरो प्लस चेक करेंगे, मतलब सर जीरो के राइट साइड में डेफिनेशन बताओ। और एफ ऑफ जीरो पे चेक करते हैं, f of 0 पे ऑलरेडी मेरे को दिया है कि फंक्शन का वैल्यू 4 है। अब मेरे को 0 माइनस और 0 प्लस, मतलब 0 माइनस 0 प्लस का मतलब क्या होता है बेटा? 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो फंक्शन क्या है? यही है। तो 0 माइनस लिखिए या 0 प्लस लिखिए, या सीधा सीधा ये दुनिया वाले को बताओ कि देखो भैया आपने लिखा है कि f of 0 दिया है 4, नाउ वी विल फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x। मैं 0 माइनस 0 प्लस क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों बार के लिए डेफिनेशन एक ही यूज किया गया है सर, तो मेरे को दो दो बार नहीं लिखना है, मैं एक बार लिखूंगा तो भी चलेगा। एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब अपने आप हो जाता है कि 0 माइनस भी है और 0 प्लस भी है। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अब यहां पर लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स। आपको मालूम है लिमिट में हम सम पे लिमिट ब्रेक कर सकते हैं जब लिमिट हर पार्टी का एग्जिस्ट करे तब। इसका लिमिट कितना होगा? 1 होगा। और उसका लिमिट की, उसका लिमिट सर क्या होगा? उसका लिमिट सर निकालना ही क्यों है, डिटरमिनेंट फॉर्म में 0 1 सो 1 + 3 = 4। हमने क्या देखा कि सर फंक्शन का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं ना, सर फंक्शन का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस बोल सकते हैं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। दोनों बराबर हैं, देख सकते हैं बेटा, हम भी सॉल्व किए तो 4 आया, सवाल भी 4 दिया था एक्स इक्वल टू 0 पे। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट X = 0, 0. Let's come to the second question. Second question से पहले ये question आपको बता रहा हूँ, यही question था जिसको मैं बात कर रहा था बेटा, ये CBSE board में आया था, 2002 में आया था, 2010 में आया था, 2011 में आया था, 2012 में आया था, यही सवाल है। आपको सवाल दिया है कि फंक्शन को कुछ ऐसा डिफाइंड किया और बोला था कि डिस्कस कंटिन्यूटी लिखा था, इज कंटिन्यूअस, उसने ये बोला था इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऐसा बोल दिया था वो, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करो। तो सर हम तो ये जानते हैं कि फंक्शन अलग अलग पॉइंट पे टूटा पड़ा है। अब देखो मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर बाउंड्री पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये मालूम है कि 1 पे फंक्शन का वैल्यू ये है, 1 से छोटा के लिए मतलब एफ ऑफ 1 माइनस के लिए ये वैल्यू आ रहा है, और एफ ऑफ 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए ये वाला डेफिनेशन ले रहा है। अब क्योंकि बेटा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों आपस में बराबर होगा, अग्री करते हैं इस बात से? तो मैं तो ये लिखूंगा अब की बार, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, लास्ट सवाल है ध्यान से देखिए, यस सर, कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। समझ गए? अब ध्यान से समझो, जब भी आपको तीन चीजें इक्वेट करना हो आपस में तो एक कॉन्स्टेंट से हम लोग इक्वेट करते हैं। अब इन तीनों में किसका वैल्यू आपको मालूम है बेटा? एफ ऑफ 1 का,
क्या करोगे, एफ ऑफ वन माइनस को भी इससे इक्वेट करोगे, एफ ऑफ वन प्लस से भी इसको इक्वेट करोगे, हर बार यही होगा, जितने बार इक्वल आ जाए आने दो सर, मुझे जिसका वैल्यू मालूम है मैं उससे ही सबको कंपेयर कर दूंगा हर बार। तो पहला लेते हैं सर, एफ ऑफ वन माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन माइनस कितना है बेटा लोग, वन छोटा के लिए ये वैल्यू है 5ax, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस कितना है बच्चा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस 5x दिया था समथिंग, 5x माइनस इज इक्वल टू 11। अब ये डिटरमिनेट फॉर्म है बेटा लोग, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पंगा है नहीं सर, और डिफरेंस में एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी दे नहीं सकता है क्योंकि x 1 को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब इन्फिनिटी आएगा सर, मतलब ये डिटरमिनेट फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 5a, कोई भी बच्चा 1 माइनस को माइनस 1 नहीं लिखेगा, 1 माइनस इज 1 ओनली, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, लेट्स कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। अब फिर दूसरे बार क्या करेंगे, एंड एफ ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 प्लस को दुनिया क्या लिखती है बेटा, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 प्लस के लिए क्या दिया है 3x प्लस b, सो अगेन दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म, we will substitute value 3x plus b is equal to 11, direct value substitute karte hain 3a plus b is equal to 11, equation number 2। dhyan se dekhiye beta, ye limit ka sawal hai hi nahi, bewakoof banane ke liye aapse linear equation solve kara raha hai wo, de diya pura ka pura continuity mein lo, aur humko pata chala ki sir ye to linear equation ka sawal tha, ab ye class 10th ke bachcho ko de doge wo bhi solve karke de dega, ab ka value nikal dega, main nikal deta hu, ए का वैल्यू आता है 3 और बी का वैल्यू आता है 2, सबको कैसे मालूम, घर से जब मैं निकला पढ़ाने के लिए मैं याद कर रहा था इसका आंसर, ऐसे मान के चलिए आप, दो क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, और एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपको देने वाला हूं, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जेई कभी ना कभी इसको पूछेगा, या तो उसको पूछेगा या तो उसके जैसा सवाल पूछेगा, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन दूंगा, पीवाईक्यू नहीं एफवाईक्यू दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, चैलेंज जरा करना, अच्छा वो सवाल को देख करके तो ये तो गारंटी कि आप डर जाओगे, पक्का है कि डर जाओगे आप, लेकिन मैं कल उस सर तब आप बोलोगे हाँ सर बड़ा सवाल प्यारा था, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेट करके दूंगा वो सवाल। ठीक है जी। Yes, हाँ जी सर बिल्कुल। yes, चलिए मिलते हैं आपसे कल सुबह 8:30 बजे।